है, ये दोनों क्वेश्चन एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, ये सब बना के लाना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, ब्लैक और ग्रीन वाले में तो भी है मार्कर। बनाना है ठीक है ना। एक नंबर हो गया होगा सभी का, इरेज करते हैं एक नंबर। आप लोग कॉल कर करके परेशान कर देते हो, इसीलिए टीचर कोई नंबर ना देता ठीक है ना। सीधा साधा आदमी के आप लोग बहुत परेशान करते हो जी। जब थोड़ा सा डाउट हुआ आप भिड़ा दिया फोन, न सोचना न समझना, बार बार कहते इस टाइम में कम से कम कॉल मत करो। अदर टाइम में करते हो रिसीव तो करते हैं ना। थर्ड नंबर, इट इज नोन डेट। चलिए थर्ड नंबर क्या बाबू, इट इज नोन डेट, इट इज नोन डेट बाबू 10% ऑफ, 10% ऑफ सर्टेन आर्टिकल, 10% ऑफ सर्टेन आर्टिकल, इट इज नोन दैट 10% ऑफ सर्टेन आर्टिकल मैन्युफैक्चर, सर्टेन आर्टिकल मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर आर क्या बाबू डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, What is the probability babu that in a random, what is the probability that in a random sample of 12 such articles, comma, आते रहिए 10 बजे तक, एडमिट ना करेंगे आप लोग, आया होगा नहीं इतना लेट से, एडमिट ना करेंगे, 12 such articles ठीक है, जिसमें 12 में बाबू क्या 9 are defective ये 3 क्वेश्चन कम से कम लाना बाबू बनाकर, बनाओगे तो प्रैक्टिस, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है। आगे हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाएंगे, जल्दी से लिखिए। आगे हम लोग क्या पढ़ाएंगे बाबा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाएंगे। तीनों का तीनों बना के लाना है ठीक है ना, बहुत क्वेश्चन करवा दिया, इतना ज्यादा ना पूछेगा। बाइनोमियल एक क्लास था का था मेरा, 3 क्लास चल गया, 2.5 क्लास चल गया। मेन क्वेश्चन आपको कंफर्म होता है वहां से बाबू, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से।
वहां से क्वेश्चन है वो कंफर्म है, उसका कंसेप्ट सीख जाइएगा तो आपको फिर अच्छा लगेगा। लिख लिया सभी? क्या हुआ, जल्दी लिखिए, एक घंटा तक लिखते रहिए आप लोग। लिखिए तीन नंबर जल्दी से, ऊपर लिखेंगे तब ना ऊपर से शुरू करेंगे। नहीं बनेगा फिर कहिएगा, लेकिन कोशिश जरूर कीजिएगा। लिख ली? चलिए अच्छी बात है, लिख लिए तो। ये तीन क्वेश्चन बना के लाना है। आगे हम लोग पढ़ते हैं बाबू, पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हेडिंग देंगे बाबू, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन PoiSiONS distribution। देखे बाबू क्या है इसका, हमको क्यों जरूरत पड़ा है ना, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही एक थोड़ा सा क्या है मैंने एडवांस रूप है, ठीक है ना। जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग नंबर ऑफ ट्रायल निकालते हैं बाबू, तो ले जैसे मान ले आपका नंबर ऑफ ट्रायल ज्यादा हो गया, अभी तक जो भी क्वेश्चन करवाया था कितना था, 10 20 50 60 यही ट्रायल्स था ना, ठीक है ना। लेकिन नंबर ऑफ ट्रायल्स मान लीजिए आपका ज्यादा हो जाएगा, और वहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या था बाबू, लगभग ठीक ठाक था, जैसे मैं 5% 10% 20% इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस था। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाए बाबू, बहुत कम हो जाए, तो उस केस में हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट को यूज करेंगे। क्या बताएं, कुछ ना समझ में आया सर जो आप बोल दिए। देखो बाबू क्या आपका हम कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं बाबू, जैसे मान लीजिए जैसे सैमसंग मोबाइल है, ठीक है ना, सैमसंग कंपनी है, तो मोबाइल मैन्युफैक्चर करता है कि नहीं करता, ठीक है। मान लीजिए सैमसंग का बाबू कंपनी है सैमसंग, ठीक है ना, तो ये कितना मान लीजिए 10,000 यूनिट कहना है, 10,000 यूनिट पर डे मोबाइल को मैन्युफैक्चर कर रहा है ना, 10,000 मोबाइल पर डे बना रहा है, कोई दिक्कत? अब मोबाइल बना रहा बाबू तो एक आगो क्या होगा, डिफेक्टिव होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बाबू, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव मान लेते बहुत कम है, 0.001 है, ठीक है ना, 0. क्या बाबू, 0.01 है पर डे, मैंने एक दिन में बाबू मात्र कितना कर रहा, कितना मोबाइल डिफेक्ट कर रहा, 1/1000 में भागे ना, कौन आया ना, अब एंट्री देंगे, अब हल्ला करते रहो, दिल खुशी तो पता नहीं पढ़वे नहीं करता है, बाप रे बाप ऐसा लड़का है ना, हम देखवे ना कि जब से शुरू किया ना 10 बार से कम ना पढ़ा होगा, आता है इस टाइम में तो समझ में कहा आएगा, जिंदगी में कभी ना समझ में आएगा, कभी नहीं समझ में आएगा, खाली हल्ला करेगा, टाइम चेंज कीजिए। अब आया तो छूट गया ना, समझते रहना, फिर नया बैच शुरू कीजिए, फिर आएगा पढ़ने के लिए, ठीक है बाबू। हम क्या बता रहे हैं, अब आएगा तब हल्ला करेगा, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग यही करना। क्या बता रहे हैं बाबू कि मान लीजिए आपके पास जैसे सैमसंग कंपनी है ना, तो 10,000 मोबाइल बनाया, ठीक है ना, पर डे एक दिन में, और उसकी डिफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.1 है, ठीक है ना। तो अगर इसमें बाबू हमको इसमें अगर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाना चाहते हैं कंसेप्ट, ठीक है ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाना चाहते हैं बाबू, ठीक है ना, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन सर, बाइनोमियल वाला लगाना चाहते हैं,
कि मान लीजिए 5 मोबाइल खराब होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना, आर की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट लगाना चाहते हैं कि मान लो कि 5 मोबाइल खराब होने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट अगर लगाओगे बाबू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तक कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ सैंपल कितना है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल एन की वैल्यू कितना है, तो 10,000 हो जाएगा, ठीक है। सी कितना हो जाएगा, हमको कितना मोबाइल है, तो वो 5 है, तो 10C5 हो गया, 12C 5 मोबाइल्स का हमको एक्सपेरिमेंट करना ना, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बाबू डिफेक्टिव, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव 0.01 के पावर कितना होगा दिस, ठीक है। इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या फेलियर 1-P करेंगे, तो 1-P करेंगे बाबू, तो इसको कितना लिखेंगे, 1-0.001 के पावर इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस घटाएंगे बाबू तो कितना होगा, 9,995 होगा, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट आता ना उतना सही से नहीं आ पाता, ठीक है ना, मतलब क्या सर कि अगर आपका क्या चल जाए, नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में हो जाए और प्रोबेबिलिटी ऑफ जो सक्सेस है बाबू क्या बहुत छोटा है, अभी तक जो भी क्वेश्चन करवाए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना लेते, 10%, 20%, 30% लेते ना, ये क्या 0.001% है, ठीक है ना, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में जो आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाओ तो इसका रिजल्ट सही से नहीं ऑब्टेन हो पाएगा, सोचो ना 10C5 कैलकुलेट करना, ये 0.0115 के 1 के पावर 5 करना और इसको सब्ट्रैक्ट करो उसके पावर इतना करोगे तो नियरली क्या आ जाएगा, 0 तो बराबर ही आ जाएगा ना। तो इसी समस्या को बाबू सॉर्ट आउट करने के लिए, ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन के कंसेप्ट को यूज करते हैं, ठीक है ना, क्या करेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो कहाँ यूज करेंगे सर, जहां पे आपका क्या रहेगा नंबर ऑफ ट्रायल्स ज्यादा रहेगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का अमाउंट क्या रहेगा बहुत छोटा रहेगा, बहुत छोटा रहेगा, जैसे रहेगा 0.01%, ठीक है ना, इस तरह से। तो वहां पे बाबू हम लोग क्या करेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो जैसे मेरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ाया था वहां फार्मूला होता है, उसी तरह से पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में भी बाबू फार्मूला होता है, ठीक है ना, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में भी फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है सर, लिखा रहे हैं, ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में भी बाबू फार्मूला होता है, यही फार्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मान लेते हैं x बराबर r इवेंट सक्सेस होने के, x इक्वल टू r है, ठीक है ना, को x मेरा क्या है रैंडम सैंपल है, रैंडम वेरिएबल है, ठीक है ना, रैंडम वेरिएबल x होता है बाबू, ठीक है। तो x इक्वल टू r की जो प्रोबेबिलिटी होने के जो सक्सेस है बाबू, ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, ये होता है बाबू लेमडा के पावर r इंटू e के पावर माइनस लेमडा अपॉन क्या होता है r के फैक्टोरियल होता है, ठीक है, बताते हैं सब तक, है ना, लेमडा के पावर आर होगा बाबू, ई के पावर माइनस लेमडा बटा अपॉन आर का फैक्टोरियल, जहां आर की जो वैल्यू होगी बाबू, जहां आर की जो वैल्यू होगी वेयर आर बराबर जो होगा बाबू 0 से 1 से 2 से 3 से अप टू 1 तक हो सकता है ना। और लेमडा मेरा कहाँ होता है, ये लेमडा, ठीक है ना, इसको लेमडा पढ़ते हैं ना, और लेमडा की जो वैल्यू होती है बाबू, जो लेमडा की जो वैल्यू होती है बाबू वो कितनी होती है, एन इंटू पी होता है, ठीक है ना, एन तुम्हारा क्या नंबर ऑफ ट्रायल्स है, पी तुम्हारा क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, जैसे हम लोग उसमें यूज किए थे, इसमें सर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, है ना। तो एन जहां बाबू क्या है, एन क्या बाबू नंबर ऑफ ट्रायल्स है, नंबर ऑफ ट्रायल्स है, कितना आप ट्रायल्स कर रहे हैं, और पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है बाबू, पी आपका क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो एक नंबर में एक मार्क्स में आपको क्या पूछेगा, डायरेक्ट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आपको कर देगा, चार ऑप्शन किसी में यहाँ प्लस देगा, किसी में यहाँ माइनस देगा, चार ऑप्शन देगा, जिसको फॉर्मूला याद रहेगा एक मार्क्स ऑब्जेक्टिव में आपको मिल जाएगा, है ना। तो पी बाबू क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है, तो ये होता वैल्यू, ठीक है ना। अब इसमें बाबू एक ऑब्जेक्टिव और आपको पूछेगा, जो इसमें होता है मीन वैल्यू, जैसे वहाँ एनपी मीन वैल्यू होता है ना बाबू, ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो उसी तरह यहाँ बाबू जो लेमडा होता है यही इसका क्या होता है मीन वैल्यू होता है। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का बाबू जो मीन वैल्यू होता है, एक ही में लिखा देते हैं, यहाँ जो मीन वैल्यू होता है बाबू पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन वैल्यू है बाबू उसको हम लोग क्या कहते हैं, यही मेरा क्या है लेमडा और यही तुम्हारा क्या होता है एनपी होता, ठीक है ना। और जो वेरियंस होता है बाबू, इसमें जो वेरियंस होता है बाबू, वेरियंस जो है, वेरियंस को हम लोग कैसे सिग्मा स्क्वायर से इंडिकेट करते हैं, तो मीन और वेरियंस आपस में क्या होते हैं बाबू बराबर होते हैं, मीन और वेरियंस आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो सिग्मा स्क्वायर बराबर भी लेमडा होगा, हम बराबर एन इंटू पी होगा, ठीक है ना।
तो पासा डिस्ट्रीब्यूशन में बाबू, इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बोलो, पासा नहीं पॉइजन, सही बात है ना, इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपको, इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बाबू, पी ओ आई डबल एस आई ओ एन एस, इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड वेरियंस आर इक्वल, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि किसमें मीन वेरियंस इक्वल होता है, नॉर्मल में, पॉइजन में और बाइनोमियल में, एवो नैनो बीज रहेगा, ठीक है, इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड वेरियंस आर इक्वल, मीन एंड वेरियंस आर इक्वल, ठीक है, तो इतना कंसेप्ट है मेरा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ e के पावर लैम्डा है, ठीक है ना, तो e के पावर x का एक फॉर्मूला होता है, ये आप लोग जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो सीख लो, जैसे e के पावर 3 आ जाएगा 4, हाँ बाबू बोलिए सर, क्वेश्चन कैसे पूछेगा इससे, करवा रहा है ना, लेट से आइएगा तो कैसे पता चलेगा, दिन रात आइएगा, सर 5 बजे क्लास है, 6:30 बजे आइएगा तो कैसे होगा, कॉलेज में सर प्रॉब्लम है, कॉलेज आ गए, लिंक में प्रॉब्लम है, लिंक तो हम भेज दें, लिंक को बदनाम क्यों करते हैं, कॉलेज आ गया है ना, तो असाइनमेंट जमा करने में लेट हो गया बाबू, तो ऐसा क्लास है, आप कॉलेज में बैठ कर पढ़ लेते हैं, का दिक्कत है, सस्ता में आता है, पढ़ लेते म्यूट करके, ठीक है, पावर एक्स का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो सीखिए, 1 + x + x² / 2 के फैक्टोरियल प्लस x³/3 के फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 के फैक्टोरियल, आप तो कहाँ तक बाबू, सो ऑन, कहाँ तक चल जाएगा आपका, इन्फिनिटी तक चल जाएगा, ठीक है, तो इतना कंसेप्ट है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, इतना दिखे पहले आपको, पॉइजन में ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, बाइनोमियल में थोड़ा बहुत है, सबसे ज्यादा कंसेप्ट है बाबू नॉर्मल में, जो आप लोग को समझ ही में ना आएगा, नया अपने से पढ़िएगा तो, नॉर्मल आप लोग अपने से पढ़िएगा तो दिक्कत हो जाएगा, पढ़ के देखिएगा समझ में आते ही तो अच्छी बात है, हम भी मेडिजिन में पढ़े थे बाबू, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था, कुछ नहीं आया था समझ में, समझ में आईडिया ना किया था, लिखिए जल्दी से, ये रेज करते बाबू, किसी को नहीं होगा तो बोलिएगा, ठीक है ना, हो गया तो शांत से चलते रहिएगा, क्वेश्चन रखते हैं ना, क्या बाबू, गिवन दैट 2% ऑफ द फ्यूज मैन्युफैक्चर बाय फर्म, क्वेश्चन एक लिखे, गिवन दैट 2% फ्यूजेज, गिवन दैट 2% फ्यूजेज, फ्यूज जानते हैं ना बाबू, जो इसमें बोर्ड में नहीं लगा रहा था वही फ्यूजेज है, ठीक है, गिवन दैट 2%
फ्यूजेज मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चर बाबू मैन्युफैक्चर बाय द फर्म। फर्म मीन्स क्या होता है बाबू? कोई कंपनी मान लीजिए। मैन्युफैक्चर बाय द फर्म आर डिफेक्टिव। क्या बाबू? डिफेक्टिव है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अब बॉक्स कंटेनिंग अब कौन आ गया? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अब बॉक्स कंटेनिंग अ बॉक्स कंटेनिंग 200 फ्यूजेज 200 फ्यूजेज ठीक है मैम, गिवन दैट 2% फ्यूजेज मैन्युफैक्चर बाय द फर्म आर डिफेक्टिव फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 200 फ्यूजेज हैज है। हर एक क्वेश्चन में आपको तीन क्वेश्चन करवाया ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन अधिकतर क्वेश्चन में तीन वो करवाया आपको ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छा खासा हो गया है, इसमें भी दो तीन वो है बाबू। हैज पहला नंबर क्या है ठीक है, वन डिफेक्टिव। क्या कर रहा बाबू? फर्स्ट नंबर क्या कर रहा? वन डिफेक्टिव। वन डिफेक्टिव फ्यूजेज। दो नंबर क्या कर रहा बाबू ठीक है, एटलीस्ट पौने छह बजे एटलीस्ट वन डिफेक्टिव फ्यूज। वन डिफेक्टिव फ्यूज। थर्ड नंबर क्या कर रहा बाबू? थ्री या मोर डिफेक्टिव फ्यूज। थ्री और थ्री और मोर डिफेक्टिव फ्यूजेज। कितना क्वेश्चन है? तीन क्वेश्चन है, एक और लिख लो तो चार क्वेश्चन हो गया बाबू है ना ठीक है। नॉन डिफेक्टिव फ्यूज या नो डिफेक्टिव फ्यूज। नॉन डिफेक्टिव फ्यूजेज ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर बनाइए, बनाइएगा फायदा करेगा, नहीं बनाइएगा तो घाटा करेगा। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, पढ़िए एक बार क्वेश्चन पढ़िए, लिखते हुए पढ़िए, बता रहे हैं लिखते हुए पढ़िए बाबू। देखिए क्या कह रहा है, गिवन दैट 2% फ्यूजेज मैन्युफैक्चर बाय कोई कंपनी बाबू ठीक है ना, तो कितना 2000 फ्यूज बनाया उसमें 2% खराब है ठीक है ना ठीक है, 200 बनाया 200 बनाया उसमें 2% खराब है, तो हमको पहले निकालने का रहा एक डिफेक्टिव फ्यूज होगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ठीक है ना, उसमें दूसरा क्या करा एटलीस्ट एक डिफेक्टिव उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, थर्ड क्या करा तीन या उससे ज्यादा डिफेक्टिव उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, और एको को डिफेक्टिव ना उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, ये निकालने आपको कह रहा है ना। देखिए कैसे करेंगे, तो देखो हमको पॉइजंस डिस्ट्रीब्यूशन में हमको क्या क्या जरूरत है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लिख देना बाबू, प्रोबेबिलिटी अगर कोई रैंडम वेरिएबल x इक्वल टू r है तो इसकी कितनी होती है, लैम्डा के पावर r होता है इंटू e के पावर माइनस लैम्डा होता है अपॉन r का फैक्टोरियल होता है ठीक है। अब हमको r चाहिए, तो r तो जो नंबर ऑफ सक्सेसफुल ट्रायल्स रहता है वही होता है जैसे वहां बाइनोमियल में करते थे ना। लैम्डा चाहिए, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है बाबू? एनपी होती है। लैम्डा बराबर क्या होता है?
लैम्डा बराबर कितना होता है, एन इंटू पी होता, तो एन तुम्हारा नंबर ऑफ ट्रायल्स है, पी मेरा क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ट्रायल्स है, तो एन की वैल्यू यहाँ पे कितना होगा बताइए, नंबर ऑफ कितना दिया, 200 दिया, एन की वैल्यू 200 हो गया। अब पी आपका क्या बाबू, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, तो प्रोबेबिलिटी 2% है, तो 2% है तो 2/100 लिखेंगे, 0.02 आ जाएगा, तो कितना छोटा, ठीक है ना। वहां पे बाबू बाइनोमियल इसमें क्या रहेगा ना, एक क्वांटिटी नंबर ऑफ ट्रायल्स ज्यादा रहेगा और सक्सेस का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम रहेगा, ठीक है ना, दोनों बीच का दोनों के बीच का अच्छा खासा डिफरेंस रहेगा, ठीक है ना। और जहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या रहता, 50 रहता, 40-50 रहता, 20-30-40-50 रहता, और यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या रहता, 20%-30%, तो हम लोग बाइनोमियल यूज करते, ठीक है ना। यही थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा अंतर है नहीं दोनों में। अब इस वैल्यू को पहला क्वेश्चन आपका क्या करना, एक डिफेक्टिव होने का, तो प्रोबेबिलिटी किस चीज का बाबू, एक डिफेक्टिव होने का, तो आर की वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, तो यहाँ पे आर की वैल्यू 1 पुट कीजिए, आंसर लूट कीजिए, तो लैम्डा की वैल्यू मेरा यहाँ से लैम्डा बराबर कितना, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू पहले निकाल ली, 0.02/100 हो जाएगा, 1-2 ये आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू 4 हो गया बाबू, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, आर की वैल्यू 1 है तो 1 हो जाएगा इंटू ई के पावर -4 हो गया बटा आर का फैक्टोरियल, तो आर की वैल्यू 1 है तो 1 का फैक्टोरियल बराबर कितना हो जाएगा, 4/e^4 हो जाएगा। कितना आसान था, कुछ थोड़ी करना था, है ना। बी नंबर आपका क्या कह रहा है, सोचिए थोड़ा, बी नंबर 2 नंबर एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव फ्यूज कह रहा, ठीक है, तो कम से कम एक डिफेक्टिव हो। अब यहाँ पे आप करना चलोगे तो पसीना छूट जाएगा, उल्टा सोचना, कह रहा कि एटलीस्ट कम से कम एक डिफेक्टिव हो, तो एक भी डिफेक्टिव हो, कम से कम एक डिफेक्टिव हो, तो मैक्सिमम कितना, 200 डिफेक्टिव हो सकता, यही मतलब ना, वो एक डिफेक्टिव होगा वो भी सही है, 2 डिफेक्टिव होगा वो भी सही है, 3 वाला सही है, 4 वाला सही है, 5 वाला सही है, मैंने 200 तक सही है, तो r बराबर 1 से लेकर 200 तक बनाओगे, बात समझ में आती है, r बराबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते 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 200 तक जाओगे, है ना। तो हम लोग ऐसे ना सोचेंगे, आपको कल बताया था ना, कोई भी प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी में एक विचित्र बात है बाबू, कि होने, घटना होने और घटना नहीं होने के जो संबंध होता है हमेशा दोनों का समूहन आता है ना। तो बाबू एक डिफेक्टिव होने क्या करा है, कम से कम एक डिफेक्टिव होगा, तो कम से कम एक डिफेक्टिव होने का मतलब क्या, अधिकतम से अधिकतम 200, तो 2 भी डिफेक्टिव होगा तो भी वो कंडीशन चलेगा, 3 होगा वो भी चलेगा, 4 चलेगा, है ना। तो हम ऐसा निकाल लेते बाबू कि एक भी डिफेक्टिव अगर नहीं होगा, ठीक है, और 1 में से घटा देंगे तो सब कैसे ना निकल जाएगा, अरे नाच बन जाता था बाबू, मान लो ना 200 फ्यूज है तुम्हारा, ऐसे चुल्लू में दे दिया 200 फ्यूज, अब इसमें करा के ऐसा हमको क्या करो, क्या करो, एक फ्यूज निकालो, ठीक है ना, क्या करा, एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव फ्यूज तो निकालो, वो डिफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे बाबू, अगर 1 से लेकर 200 तक चलोगे तो सुबह से शाम हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1-1 भी डिफेक्टिव नहीं होने की प्रोबेबिलिटी अगर निकाल देते हैं, ठीक है ना, उसको 1 में से घटा देते हैं, तो बाकी जो केस बचेगा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना बाबू, मतलब क्या सर, समझ में आता है बाबू, नहीं समझ में आता तो बोलिएगा। अगर 1 बाबू प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव का क्या होगा बाबू, अगर 1 में से एक भी नहीं डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी अगर घटा देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 1 को डिफेक्टिव नहीं है, ठीक है ना, तो बचेगा जिसमें क्या होगा, 1 को वो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी हमने हटा दिया, तो जो बचेगा उसमें या तो 1 डिफेक्टिव होगा या 2 डिफेक्टिव होगा या 3 डिफेक्टिव होगा, बात समझ में आती है, नहीं शौक है तो करना वैसे कर सकते, ठीक है, नॉर्मल 1-2-3 से लेकर 200 तक करना, सुबह से शाम हो जाएगा, ठीक है। तो 1-, अब आर बराबर 0 के लिए वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ तो कितना होगा, लेमडा है तो लेमडा की वैल्यू 4 है बाबू, ये फॉर्मूला लगाए ना, तो लेमडा की वैल्यू 4 पुट करेंगे, आर की वैल्यू 0 पुट करेंगे, इंटू ई के पावर माइनस लेमडा, तो -4 बट आर के फैक्टोरियल, तो 0 के फैक्टोरियल, नीचे आपको दिख रहा है कि ना दिख रहा है जी, चलिए दिखा है ना।
अब इसको सोल्व कीजिए बाबू, तो जीरो का फैक्टोरियल वन होगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, वन माइनस वन बट्टा ई के पावर फोर आ जाएगा ना, फोर के पावर जीरो वन हो जाएगा है ना, तो ये आपका आंसर होगा बाबू। इसको ज्यादा शौक है तो ई के पावर फोर एलसीएम लीजिए, नहीं तो आपका ये भी सही है। ज्यादा कैल्सी से निकालिएगा तो वन बटा ई के पावर फोर का वैल्यू निकालिए और वन में से घटाइए, है ना, ये एक ही लाइन में है, बात समझ में आती है। ये हो जाएगा वन बटा ई के पावर फोर हो जाएगा, बाकी कैल्सी से सोल्व कीजिए, लिखिए उसका तीन चार बता रहे हैं। सर फर्स्ट का 0.07 आया, इसको सॉल्व किया था। ठीक है, अच्छी बात है, अब इसमें सॉल्व ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, कैल्सियम में पुट कीजिए, आंसर लुटिए अपना। थर्ड नंबर बताइए, लिख लिया सभी, इधर एडजस्ट ना हो पाएगा, इतना में हो जाएगा, फिर आप लोग हौच पोच कर दीजिएगा। क्वेश्चन तो लिख लिए होंगे ना जी, थर्ड नंबर क्या कर रहा, थ्री और मोर डिफेक्टिव, तो आर बराबर थ्री, आर बराबर फोर, थ्री और मोर डिफेक्टिव, तो आर बराबर थ्री लेंगे, आर बराबर फोर लेंगे, फाइव लेंगे, सिक्स लेंगे, सेवन लेंगे, सेवन आठ लेंगे, नाइन लेंगे, टेन लेंगे, टू हंड्रेड तक लेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना बाबू। ये वही कहा, ये वही बात है बाबू कि एक बीरबल ने कहा, क्या अकबर, अकबर बीरबल की जोड़ी था ना, अकबर ने कहा बीरबल से, हमको एक कहानी सुनाओ और उस कहानी कभी अंत ना हो गए, ठीक है ना, तो पता है आप लोग को बीरबल ने क्या किया, ठीक है ना, एक घोड़ा को लेकर दौड़ाया, ठीक है ना, तो घोड़ा दौड़ते 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 जंगल पहुंच गया। अब बीरबल घोड़ा को क्या कर रहा है, जंगल में दौड़ा रहा है, दौड़ा रहा है, दौड़ा रहा है, दौड़ा रहा है, जंगल खत्म नहीं हो रहा है, कहानी खत्म ना हो रहा है, वही बात है बाबू। एक घोड़ा को जंगल में दौड़ा दीजिए और जंगल कभी खत्म ना होगा, ठीक है ना, हो गया कहानी, इसीलिए तो चतुराई करते हैं बाबू। तो वही आपको, वही बात यहाँ पे भी है, अगर थ्री या मोर डिफेक्टिव केस कर रहा है तो तीन लीजिए, चार लीजिए, पांच लीजिए, छह लीजिए, कहाँ तक लीजिए, 200 तक लीजिए, तो उससे बढ़िया है ना कि हम छोटा वाला फॉर्मूले। वन में क्या करा, थ्री या मोर डिफेक्टिव कह रहा, तो एक भी डिफेक्टिव नहीं होने का केस, एक डिफेक्टिव होने का केस और दो डिफेक्टिव होने का केस में अगर वन में घटा देते हैं ये तीनों केस को, जीरो डिफेक्टिव होने का, वन डिफेक्टिव होने का और दो डिफेक्टिव होने का, ठीक है ना, तो बाकी जो सैंपल बचेगा उसमें क्या होगा, तीन या तीन से ज्यादा डिफेक्टिव होगा, ठीक है ना, तो यही कंसेप्ट अप्लाई करना, नहीं तो फिर बीरबल के घोड़ा लेकर जंगल में दौड़ते रहना। तो इस केस में कैसा हो जाएगा बाबू, थर्ड में प्रोबेबिलिटी probability of theory, probability of theory or more defective fuse, defective fuse equal to क्या बाबू, वन में एक भी defective नहीं होने की probability है ना, ब्रैकेट में कर देंगे, प्लस एक फ्यूज डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी और प्लस दो फ्यूज डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी को अगर घटा देंगे, तो ये सब केस को अगर घटा दोगे तो बचेगा उसमें क्या होगा, तीन हो डिफेक्टिव हो गया, तीन से ज्यादा डिफेक्टिव होगा, ये वाला कंडीशन में फॉलो कर जाएगा। अब वैल्यू यहाँ इस फॉर्मूला में पुट कीजिए, आंसर लुटिए, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इतना ही फॉर्मूला हो गया, लैम्डा की वैल्यू इतना की वैल्यू है ना, इतना ही बाबू, इतना तो हमको करना ही पड़ेगा ना, तो इतना करना पड़ेगा, तो इतना तो ऑलरेडी मेरा किया हुआ है, तो सॉल्व कीजिए,
बराबर वन माइनस आर की वैल्यू जीरो का कितना आया था अभी हमने किया था, आर की वैल्यू जीरो का वन बट्टा ई के पावर फोर आया था बाबू, ठीक है। और वन डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी कितना आया था, इसका वन बट्टा ई बाई फोर आया था ना, वन वाला निकाले अभी, वन प्लस ई बाई फोर नहीं आया था पहला केस में, आया था ना जी वन आया था कि फोर आया था सर, वन बाई के पावर फोर ही बाबू, लेमडा का वैल्यू फोर है, फोर के पावर वन करेंगे तो फोर बटा ई के पावर फोर था ना, नहीं आप लोग पढ़ गए नहीं करते हो, आया समझ में, आया हाँ यस सर यस सर। आर बराबर टू के पावर फोर, आर बराबर टू केस के लिए पुटिंग पुट कीजिए बाबू, तो लेमडा के पावर लेमडा फोर का स्क्वायर इंटू ई के पावर माइनस फोर अपॉन टू के फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, आंसर लुटिए अपना है ना, वन माइनस तेरा ई के पावर माइनस फोर, चलिए जो भी आ जाए है ना, इसकी वैल्यू निकालिए लुटिए आंसर। थर्ड नंबर क्या करवाओ, नो डिफेक्टिव फ्यूज, एक भी फ्यूज आपका डिफेक्टिव ना होवे, तो एक भी डिफेक्टिव ना होने का तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बराबर जीरो का, यही तो आपको पूछ रहा, तो इसका निकालिए फोर्थ नंबर में, फोर के पावर जीरो यही कैसा आ जाएगा, ई के पावर माइनस फोर अपॉन जीरो के फैक्टोरियल, आए बाबू ये गलत ना हो गया जी, आप लोग खाली ऑल बल्ब सॉल्व करते हैं, वन माइनस घटा के आप लोग खाली सुर में सुर मिलाते हो जी, बदनाम करके रख दोगे, वन बटा ई के पावर फोर होगा, वन माइनस घटाए थे सेकेंड केस में ना, हमको सिर्फ आर बराबर जीरो का यही ना सिर्फ होगा बाबू, बदनाम करके रख दोगे, ठीक है। तो ये चार नंबर हो गया, लिखिए जल्दी से, आज 6 बजे छुट्टी दे देते, पढ़ाने का मन नहीं कर रहा, कितना पढ़ाएंगे, 2-3 घंटा तो दुकान में लगा दिया, ये बाबू अच्छी में विजिटिंग कार्ड में लगा दिया, आप इन लोग के विजिटिंग कार्ड बनवाने जाते देखिए, ठीक है ना, इस तरह से 1000 पीस निकलवाए, इसलिए न्याज तो थका दिया कार्ड है वाला, सर क्या बाबू न्यू बैच के लिए, नहीं भाई अब आप लोग नहीं, आपके भाई सब छोटकन छोटकन बचपन वाला के लिए, आप लोग का जब तक ऐप नहीं बनेगा जब तक कोई चारा नहीं, चूंकि आप लोग पेमेंट देते ना हो, टीचर आता है पढ़ता पर टीचर भी बेचारा परेशान रहते हैं, विश्वास पे आते हैं आप लोग पेमेंट देते ना हो, पहले ऐप बनवाएंगे वहां पे रिकॉर्डिंग डालेंगे, लाइव भी चलेगा रिकॉर्डिंग, जिसको जो इच्छा है जिस प्रकार के खाने का इच्छा मजा खाइए अपना, आपका कोई छोटा छोटा भाई है ये नहीं है, जल्दी लिखिए भेजिए, आराम से बेसिक मजबूत हो जाएगा फिर आराम से रन पढ़ेगा खटाखट, संजय नितेश दीपक वीरेंद्र यमुना निशा संदीप सोनू विनय काजल प्रतिमा शिवेंद्र चांदनी प्रीति, एक क्वेश्चन बना के लाइएगा बाबू, आज शाम को 6 बजे ना पढ़ेंगे जी, मिलेंगे 6 बजे, सिलेबस थोड़ी ज्यादा थ्योरी अंडर कर्व करना है, बस डिफरेंशियल इक्वेशन इधर तो ही मेरा फिनिश हो गया, देख बाबू इन सर्टेन फैक्ट इन सर्टेन फैक्टर लिखाइए दीजिए सर, इन सर्टेन फैक्टर
टर्निंग टर्निंग आउट ब्लेड्स इन सर्टेन फैक्टर टर्निंग आउट ब्लेड्स देयर इज a small chance to 0.002 for blades to be ठीक है ना डिफेक्टिव. पिछला क्वेश्चन करना था आंसर किसी का ना लिखवाए जी आप लोग बना के ग्रुप में. हाँ तो आपस में ग्रुप में बना के डाल दीजिएगा देखते हैं आंसर होगा तो मिलवा देते हैं. आंसर अभी भी हमको ध्यान है. इन सर्टेन फैक्टर टर्निंग आउट ब्लेड्स देयर इज अ स्मॉल चांस टू 0.002 है ना फॉर ब्लेड्स टू बी डिफेक्टिव. द बाबू द ब्लेड्स आर सप्लाइड the blades are supplied in packet in packet of 10 using Poisson's distribution. Using Poisson distribution, using Poisson distribution approximation, ठीक ना find approximate number of packet. Number of packets containing babu ek number no defective blades. दो नंबर क्या कहता बाबू वन डिफेक्टिव ब्लेड अभी कौन आ गया लास्ट में प्रवीण कुमार कितना देर से इंतजार कर रहा था पीछे देखे भी नहीं थे. वन डिफेक्टिव ब्लेड ठीक है बाबू. नेक्स्ट क्या लाइन दिया हुआ इसी में जुटा हुआ है. नेक्स्ट जो लाइन है बाबू इसी क्वेश्चन के आगे जुटा हुआ ठीक है ना. इस तरह से भी आपको दे सकता है इन वन डिफेक्टिव ब्लेड से बाबू इन कंसाइनमेंट ऑफ इसलिए डिसकलर के इस स्टेटमेंट का मतलब ये है बाबू 10,000 पैकेट है ना. ये जो लाइन है बाबू यह क्वेश्चन के बाद का लाइन है ना. ऐसे भी देता है ठीक है. देखते हैं इसका आंसर कितना है.
एक का जो आंसर आएगा बाबू ब्लैक कलर रेड कलर, रेड कलर से लिख देते हैं। एक का जो आंसर आएगा इसका बाबू कितना पैकेट साइज आएगा? 9802 पैकेट आएगा। जो भी प्रोबेबिलिटी आएगा ना उसमें 10,000 से गुना कर देना, जो भी प्रोबेबिलिटी आएगा उसमें 10,000 से गुना कर देना। इसका जो आ जाएगा इसका गुना करके आप लोग लिख लीजिएगा 0.2 × 9802 पैकेट, ये आपका प्रोबेबिलिटी आएगा उसमें गुना इतना कर दीजिए हो जाएगा आंसर, है ना। पीछे वाला का आंसर क्या था? चलिए लिखिए आप लोग पीछे वाला का आंसर कहाँ था। पीछे वाला का जो आंसर था बाबू क्वेश्चन नंबर 1 ढाई से स्टार्ट था ना, ढाई वाला ना था बाबू, और ढाई था हाँ, तो ये ढाई से जो स्टार्ट था बाबू उसमें एक नंबर का जो था आंसर, ढाई से जो स्टार्ट था उसमें ए नंबर था बाबू, ए नंबर होगा कि एक नंबर, क्या दिए थे बताइए, क्या दिए थे? अच्छा ठीक है, तो ए का जो आता है बाबू 3/32, बी का आता है 7/64, ध्यान नहीं रहा जिसमें, सी का आता बाबू 63/64, फिर 5 कार्ड से स्टार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 बाबू, 5 कार्ड, इसमें जो एक नंबर था आपका ये नंबर था 1/1024, बी नंबर है 45/512 है बाबू, और जो सी नंबर है आपका 2431204। एक क्वेश्चन इट इज नोन दैट 10% सर्टेन आर्टिकल, थर्ड नंबर जो क्वेश्चन था बाबू इट इज नोन दैट 10% सर्टेन आर्टिकल का बाबू इसका जो था आंसर गुना करके आप लोग लिखिएगा 9^3/10^11। एक का ये, बी का ये, और तीसरा का ये, ये क्वेश्चन का हेडिंग है ये डाई, और समझ में आती है बात तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आती है तो क्या कीजिएगा। लिखिए बाबू आज शाम को ना पढ़ाएंगे ठीक है ना, मैं आज स्वस्थ लग रहा ठीक है। कल हम लोग बाबू क्या करेंगे पढ़ेंगे, आप लोग का आराम कीजिए 3 दिन।